So, जैसा कि गर्मियों का सीजन है, गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा पसीना आता है और पसीने की वजह से हमें लगता है कि हम हर दूसरे दिन अपने बालों को शैम्पू कर लें। एंड यू नो कि हर बार शैम्पू करने से आपके जो हेयर है वो डैमेज होते हैं और हम इस तरीके से रह भी नहीं सकते हैं कि हमें पसीना आ रहा है और हम अपने हेड को नहीं वॉश करें। और साथ ही साथ हमें ये भी दिक्कत लगती है कि बार बार हेड को वॉश करेंगे तो हमारा जो इंडिगो का या हिना का कलर है वो फेड ना हो जाए। सो इसका सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिलेगा। फ्रेंड्स, ये है मेरा छोटा सा ब्लेजू, ब्लेज नाम है इसका, लेमन बीगल, और ये हमारे साथ ग्रो कर रहा है। छोटा सा अभी हमने एक महीने पहले अडॉप्ट किया था। इसका अलग से चैनल बना हुआ है जिसमें आपको इसके अपडेट्स एंड देन व्लॉग, कैसे परेशान करता है ये, कैसे हम इसके साथ खेलते हैं, कैसे ये हमारे साथ रहता है और हम इसके साथ रहते हैं, उसको चेक करने के लिए आप इसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 डेज का हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज जो मैंने अपने चैनल पे चलाया था उसका काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो आप जरूर उसको चेक करिएगा। हेयर फॉल है, हेयर ड्राई है, या फिर स्कैल्प में इचीनेस है, या बाल बढ़ नहीं रहे हैं, रीग्रो करना है अपने अपने बालों को, तो आप इस 6 डेज के हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ग्रे हेयर चैलेंज में मैंने 3 स्टार रेमेडीज डाली हैं। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये भी शो कर दूं या पूछ लूं आप लोगों से कि ग्रे हेयर चैलेंज आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी 100% नेचुरल माइल्ड शैम्पू जो आपके बालों को, सफेद बालों को जड़ से काला तो करेगा ही, स्कैल्प को क्लीन करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स का ब्लेंड है ये आपके बालों को रीग्रो भी करेगा और जड़ से काला करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए है एलोवेरा पाउडर। नाउ आप बोलेंगे कि एलोवेरा पाउडर हम घर पे कैसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो एलोवेरा पाउडर है ये मैंने घर पे ही बनाया हुआ है और ये 2 साल पहले मैंने बनाया था। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच के जितना एलोवेरा पाउडर लिया है एंड आफ्टर दैट मैंने यूज किया है यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर्स का पाउडर, गुड़हल के फूलों का पाउडर मैंने लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिया है आंवला पाउडर। सो आंवला पाउडर तो आप सब जानते हैं कि हर जगह इजीली मिल जाता है, बट क्या आप श्योर है कि वो प्योर है? मीन्स जिस भी तरीके से बनाया गया हो, जिस भी ब्रांड का हो, हमें तो प्योर चीजें चाहिए ना। सो यहाँ पे ये आंवला पाउडर भी मैंने घर पे बनाया था। इट्स रियली वेरी इजी टू मेक और स्टोर। सो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे तरीके से बनाएंगे तो आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। सो आप जरूर बनाएंगे और किस तरह से बनाना है इस वीडियो को जरूर चेक कर सकते हैं। आंवले को 2 तरीकों से मैंने ड्राई किया एंड देन बनाया। सो आप इस वीडियो को जरूर चेक करिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल है। 3 इंग्रेडिएंट्स हमारे हो चुके हैं, एलोवेरा पाउडर एंड देन हिबिस्कस पाउडर और फिर हमारा है आंवला पाउडर। सो फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, कमेंट कर दो एंड देन मुझे मोटिवेट करो कि मैं और भी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाऊं। सो फ्रेंड्स, 4th इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा शिकाकाई पाउडर। ना आप कहेंगे कि शिकाकाई पाउडर लाइक बाहर से आपको पोर्स भी मिल जाती है, पाउडर भी मिल जाता है, हमारी ही प्रेफरेंस रहती है कि हमें क्या डालना है। सो अगर आप 100% प्योर लेना चाहते हैं तो शिकाकाई की पोर्स घर पे लेके उसके बीज निकाल के आप उसको ब्लेंड करके और पाउडर बना सकते हो, अदरवाइज आप पाउडर भी खरीद सकते हो। सो पिछले वीडियो में मैंने आपको शो किया था कि आंवला, रीठा एंड शिकाकाई को किस तरह से आपने ब्लेंड करके रखना है शैम्पू के रूम में। सो इसी तरीके से आप शिकाकाई को भी ब्लेंड कर सकते हो और स्टोर करके रख सकते हो। जो ड्राइड फॉर्म में जो भी हर्ब्स होती है वो खराब नहीं होती है, इसीलिए एक टाइम की मेहनत है, कंटिन्यूस यूज करेंगे और लाइफ टाइम उसका बेनिफिट उठाएंगे। सो यहाँ पे मैंने लिया है शिकाकाई, उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे फ्लैक्स सीड जेल। सो फ्लैक्स सीड जेल मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस में मैं यूज करती हूँ और इट्स रियली वेरी 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 इफेक्टिव। 3 बार मैंने बोला है वेरी 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 इफेक्टिव, तो उसको जरूर एक बार यूज करना, यूज करोगे दीवाने हो जाओगे इसके। सो इस तरह से आपने यहाँ पे डालना है फ्लैक्स सीड जेल। सो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच बचा था तो मैंने वही यूज किया है। आपके पास अगर ज्यादा हो तो आप ज्यादा भी यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने यूज किया है यहाँ पे एलोवेरा जेल। नाउ एलोवेरा जेल तो आप सबको पता है किस तरह से बनता है, बट इसका भी मेरा वीडियो 3 साल पहले मेरे चैनल पे अपलोडेड है किस तरह से आप एलोवेरा जेल घर पे बना सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। सो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, बहुत पुराना वीडियो है, थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होगी, बट उसको जरूर देखिएगा किस तरह से मैंने उसको बनाया, स्टोर किया। तो ये जो मेहनत आपको दिखती है, मेरे बाल दिखते हैं, तो इसके पीछे की मेहनत बहुत ज्यादा होती है
और जब मुझे अपने बालों पे उसका रिजल्ट दिखता है तो मुझे शेयर करने में बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो इस तरह से आपने पैक बना लेना है, पैक को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी का हमारे पास तैयार हो गया है ये हेयर मास्क कम हेयर शैम्पू कम हेयर डाई जो आपके बालों को जड़ से काला करेगी। नाउ आप देख सकते हो मेरे बाल जो है 3 दिन पहले धुले थे। 3 दिन पहले मीन्स वीक में 2 बार तो हम जनरली धोते ही हैं और हमें लगता है कि हमें अपने बालों को क्लीन करना है, बट यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा था कि मेरे बाल ज्यादा गंदे नहीं है क्योंकि अब हम बाहर भी नहीं जा रहे हैं, बट स्वेटिंग के कारण थोड़ा सा जो ऑयल प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्कैल्प में वो मुझे फील हो रहा था। सो यहाँ पे मैं रेडीमेड वाला शैम्पू भी यूज नहीं करना चाहती थी, अपने हेयर का कलर भी मेंटेन करके रखना चाहती थी, तो मैंने ये वाला मास्क लगाया। इसके अंदर मैंने फ्रेंड्स ऑयल्स नहीं डाले हैं। सो आपने अगर डालना है तो आप ऑयल डाल सकते हो, बट यहाँ पे मैंने ऑयल नहीं डाला है एंड इसको मैं हेयर क्लींजिंग के जैसे यूज करूंगी, हेयर क्लींजर के जैसे इसको मैं इस्तेमाल करूंगी अपने बालों के ऊपर, जड़ों पे पहले लगाऊंगी क्योंकि हमारी जब भी हम हेड को वॉश करते हैं वी शुड फोकस ऑन स्कैल्प ओनली। स्कैल्प पे सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस करना होता है, उसी को क्लीन करना होता है, तभी आपके जो बालों को पूरी लेंथ होती है उसका न्यूट्रिशन आपके पूरे बालों में चला जाता है। सो रगड़ रगड़ के आपने बालों को नहीं धोना है, हल्का सा रगड़ के आपने स्कैल्प को धोना है। सो स्कैल्प पे आपने लगाना है पूरी जड़ों में, लेयर बाय लेयर करके लगाएं, पीछे भी लगाएं, और इसको मैंने छोड़ दिया था आधे एक घंटे के लिए। और फ्रेंड्स उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश करना है, नॉर्मल पानी से वॉश करना है। नाउ आप देख सकते हो मेरे बाल जितना ऑयल प्रोड्यूस हुआ था एक तो वो निकल गया है, मेरा स्कैल्प क्लीन हो गया है, माइल्ड क्लींजर के जैसे इसने काम किया है, मुझे बिल्कुल भी अपने बाल ड्राई नहीं लगे, बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही साथ मेरे बालों में न्यूट्रिशन भी आया है जो कि मैंने एलोवेरा जेल और फ्लैक्सिड जेल यूज किया है। सो अगर आप इन सब चीजों को मिक्स करके यूज करते हो और आप इसको लाइक कंटिन्यूस यूज कर सकते हो, हफ्ते में एक बार आप ऑयल डाल के कर लें और उसके बाद तो फिर शैम्पू करना ही पड़ेगा, और अगर आप ऑयल डाल के नहीं करते हैं तो नॉर्मल आप इसी तरीके से भी अपने हेड को वॉश कर सकते हैं और केमिकल वाले शैम्पू को बाय बाय कर सकते हैं और इन नेचुरल तरीकों को अपना के अपने हेयर की केयर कर सकते हैं। सो इसको आप कंटिन्यूस यूज करिए। प्री मेच्योर ग्रेन है तो आपके प्री मेच्योर ग्रेन को ये बहुत जल्दी सॉल्व करेगा, बट कंटिन्यूस इसको यूज करना पड़ेगा आपको, हर 2 दिन के बाद इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साथ ही साथ अगर आप इन्हीं चीजों को घर पे बनी हुई चीजों को अच्छे से बना लीजिए, कंटिन्यूस यूज करिए, 3-4 महीने के बाद मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको इसको कंटिन्यूस यूज करने से क्या इफेक्ट आपके बालों में आया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। आगे मिलते हैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।